बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐनुल हयात नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। ऐनुल हयात के उर्दू मायनी है जिंदगी का सर चश्मा, जबकि इंग्लिश मीनिंग है फाउंटेन ऑफ लाइफ। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सर फहरिस्त है सऊदी अरेबिया, नंबर दो पर है पाकिस्तान और नंबर तीन पर है बांग्लादेश। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं सोमवार और जुमेरात। नंबर दो को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है, जबकि कांसी को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल है पीला, सफ़ेद और हल्का सबज, और सब्ज़ पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये खुद को तन्हा महसूस करते हैं और इनका दिल चाहता है कि ये लोगों के साथ घुल मिल कर रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।